ऑक्सीजन ओएस 11.0.9.9 फॉर द वन प्लस 8T। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आप वन प्लस 8T स्मार्टफोन के यूजर्स हैं, आप लोगों को नया अपडेट देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन ओएस 11 का 11.0.9.9। इस अपडेट पर आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि इसका जो बीटा अपडेट है वो तो क्लोज हो ही गया है, परंतु स्टेबल का अपडेट हर दो मंथ पर आपको देखने को मिलता रहेगा। इस अपडेट में आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाती हैं जो कि पहले बीटा पर आई हैं, वही चीज़ें अब आपको इस स्टेबल पर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर सिस्टम के अंदर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको वन प्लस बड्स प्रो है वो आपको एडेप्टिव देखने को मिल जाता है, इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दी गई है, तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाले जो नया प्रोडक्ट है वन प्लस का, वन प्लस बड्स प्रो, उसके जो भी आपको फीचर्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें अब एडेप्ट करना शुरू कर दिया है वन प्लस ने सभी डिवाइस के अंदर अपने, धीरे धीरे करके आपको वन प्लस 7 सीरीज पर भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर AOD के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप AOD का सेटअप कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप पावर की के साथ में वॉल्यूम माइनस की को एक साथ होल्ड एंड प्रेस किए रहेंगे तो आपका ये स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहें या फिर आप सेव करके रखना चाहें तो ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट काफ़ी कुछ अलग तरीके से आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है अगर आप बिटमोजी का सेटअप करते हैं तो, और साथ में एम्बियंट डिस्प्ले में जो भी सेटिंग्स दी गई हैं क्लॉक की उनका भी सेटअप करके आप ले सकते हैं। कैनवास मोड में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ में जो नेविगेशन बार का इशू था वो भी अब फिक्स हो गया है। नेविगेशन बार जिनका आप यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर की तरफ स्वाइप करना हो या फिर बैक करना हो या फिर रिसेंट बार पर आना हो, ये सब कुछ फिक्स हो चुके हैं। इनके जो भी इशू थे वो यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। साथ में हर बार की तरह सिस्टम में कुछ स्टेबिलिटी दी जाती है, तो ये चीज़ अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इसके चेंजलॉग में अगर आप चेकआउट करेंगे तो साथ में एंड्रॉइड सिक्योरिटी पिछले बार आपको अगस्त मंथ का देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है। साथ में यहाँ पर पोर्टेड मोड का जो इफेक्ट था उसको ऑप्टिमाइज किया गया है, जो कि यहाँ पर पहले से बेटर वर्क कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ इशू था उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। पोर्टेड मोड में जो भी आप शॉट लेते हैं वो शॉट उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है। साथ में इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको वन प्लस स्टोर नाम का नया एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, इसे आप चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। पहले आपको ये देखने को नहीं मिलता था, परंतु आप अनइंस्टॉल भी इसे कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर के द्वारा जा करके इसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वन प्लस स्टोर नाम का एप्लीकेशन आपको बस सर्च करना है और आप इसे डाउनलोड करके सर्च करते हुए इसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस पर। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन अपने डिवाइस पर रख सकते हैं। ये वन प्लस अपने लिए एक प्रमोशन दे रहा है, जो कि अपने एप्लीकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है वन प्लस की तरफ से, परंतु आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर आपको एम्बियंट डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर जो क्लॉक है वो बिटमोजी क्लॉक भी आपको देखने को मिल जाती है। कस्टमाइजेशन पर अगर आप टैप करते हैं और क्लॉक और एम्बियंट पर आप टैप करते हैं तो ये बिटमोजी की क्लॉक आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के द्वारा। ये ऑप्शन आपको ले जाएगा, वहाँ से बिटमोजी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड होगा। इसका आपको पूरा ID बनाना है अपना, जिस तरीके से आप ID बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपना स्टिकर आप क्रिएट कर लेंगे जिस तरीके के लुक में आप अपने स्टिकर को रखना चाहें, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। इसका आप सेटअप कर देंगे, उसके बाद आपको एक और सेटअप करना होगा, उसके बाद आपको डिस्प्ले के अंदर जाकर के एम्बियंट डिस्प्ले का जो ऑप्शन आता है उसमें आप ऑलवेज ऑन एम्बियंट डिस्प्ले को इनेबल कर देंगे ऑल डे पर। अगर ये ऑफ है तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्टाइल है इसका वो हर बार बदल बदल कर आता रहता है। इसको आपको इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड करना होगा एक बार, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। साथ ही मैं बात करूँ मॉनिटर डेटा फीचर्स के बारे में, जो कि आपको चेंज लॉक में मेंशन नहीं देखने को मिलता है, परंतु अगर आप गेम को प्ले करते हैं VGMI या फिर किसी भी गेम को, तो मॉनिटर डेटा नाम के फीचर्स के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको FPS काउंटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर 60 FPS तक आपको जाता हुआ देखने को मिल जाता है, भले ही आपके 120 FPS इनेबल क्यों ना हो। अगर आप ज़्यादा FPS यहाँ पर चाहते हैं 90 FPS तक, तो आपको यहाँ पर इसे फोर्स करके इनेबल करना होगा। मैं आपको अगर दिखाऊँ इसकी सेटिंग्स के अंदर ग्राफिक्स, तो यहाँ पर 90 FPS है, परंतु आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, भले ही आपके डिस्प्ले के सेटिंग्स के अंदर के जो FPS हैं
वो पूरी तरह से 120 पर सिलेक्टेड देखने को मिले, तब भी आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा। तो इनेबल कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो OnePlus 70 स्मार्टफोन पर बनाई हुई है, वो वीडियो देख करके आप यहाँ पर इसे इनेबल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बैकअप पहले से बेटर चल रही है। अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो चार्जिंग की स्पीड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैटरी ड्रेन की स्पीड भी बिल्कुल भी ठीक देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे अपडेट लगा कि यहाँ पर अब धीरे धीरे करके OnePlus सभी चीज़ों को फिक्सेस करने की कोशिश करता जा रहा है। अगर आपको ये अपडेट चाहिए है तो आप ऑक्सीजन अपडेटर के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।